नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं अपना फसल देखने, और जो कि दोस्तों बहुत तेज तूफान तीन रोज से चल रहा है और हम लोग बहुत लोग का फसल नुकसान हो गया, तो हम लोग भी सोचे चलिए अपना देख लें फसल नुकसान है कि या नहीं है। तो इसमें मैं अभी आप लोग को लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये जो रास्ता आया है सामने से, जो डाढ़ वाला दिखाई दे रहा है, मैं यही रास्ता पकड़ के आया हूँ सामने से। और वो गांव मेरा है जो भट्टे का, जो भट्टा दिखाई दे रहा है, वो जो पेड़ पाला बहुत ज़्यादा है वही मेरा गांव है। मैं वहाँ से आया हूँ इस रास्ते से। मैं ये जो रेलवे है, उत्तर रेलवे है, जो कि ये इधर से दोस्तों ये बनारस से ट्रेन आती है, इधर इलाहाबाद की तरफ जाती है। दोस्तों देख लीजिए, ये वाराणसी टू इलाहाबाद रेलवे लेंथ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। रेल सीधा इलाहाबाद जाएगा सामने से दोस्तों, और ये जो है बनारस से आएगा दोस्तों। ये बनारस टू इलाहाबाद रेलवे लाइन है दोस्तों। मैं आप लोगों को यहाँ के फसल आप लोगों को मैं सब दिखाऊंगा कि किसान भाई कितना मेहनत करते हैं और उन लोग को आखिरी में क्या मिलता है। तो दोस्तों किसान लोग मेहनत बहुत करते हैं और भगवान का महिमा ये है कि कब वो क्या कर दें, और अंत में किसान के पास कुछ नहीं आता है, केवल वो हाथ धरकर माथा पे बैठ कर सोचते हैं कि हम लोग का एक ही सहारा है, वो भी किसानी। किसान भी बहुत परेशान और बहुत दुखी हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी फसल नुकसान हो जाता है, उसी के सहारे वो जीते खाते रहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये नदी बहुत छोटा है और यहाँ पे जाल लगाए हुए हैं, मछली मार रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग नदी डाक चुके हैं, छोटी एक नदी थी, डाक चुके हैं। अब मैं अपने फसल की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर पानी कितना सब भरा हुआ है, यहाँ पे अपना मछली लगा कर मार रहे हैं। मैं रेलवे से 500 मीटर दूरी मैं आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से, हमारा खेत है अभी 300 मीटर दूर है। तो दोस्तों मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ, देखते हैं कि हमारा ये फसल नुकसान है या नहीं है। तो मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ दोस्तों, और मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि हमारा फसल सही सलामत रहे और सबका सही सलामत रहे दोस्तों। हम लोग किसान भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, और हम लोग का अगर कोई किसान का फसल नुकसान होता है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होता है। अब मेहनत इतना करने के बाद कुछ मिलता नहीं दोस्तों। हम लोग किसान हैं, किसान की समस्या समझें। और मैं आप लोग के, मैं छोटा सा यहाँ देखिए एक तालाब है, मैं इस तालाब में फूल खिला है दोस्तों। मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा फूल ये खिला है ये तालाब में, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देख लीजिए। चलते हैं, मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए ये, यही रास्ता जाएगा अब जो खेत है हमारा दोस्तों। अब मैं इसी रास्ते से लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए फसल तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है सबका। अब देखते हैं हमारा क्या हाल है दोस्तों, हमारे फसल नुकसान है या नहीं नुकसान है। क्योंकि दोस्तों वो मैं पहले ही लगा दिया था धान और बढ़ गया था डाट उसका, तो डर लग रहा है कि गिर न गया हो। तो अब भगवान से मैं मनाता हूँ कि भगवान फसल न नुकसान हो। और देख लीजिए तो दोस्तों तीन रोज से बारिश हो रही है और हवा भी चल रहा है बहुत तेज, और कितना अच्छा है मौसम है इस समय।
तो दोस्तों आप लोग को मैं क्या बताऊं, ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है, देख लीजिए। मैं आप लोग को बैक कैमरे से ट्रेन दिखाता हूँ जा रही है, आप लोग को मैं नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए। कितना तेज जा रही है दोस्तों ये ट्रेन। मैं वहीं से अभी हम लोग आए हैं, वही खम्भे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ अपने खेत के पास। देख लीजिए धान यहाँ पे फूट चुका है दोस्तों, ये कुछ ये दूसरे का है दोस्तों, दूसरे किसान भाई का है, यहाँ पे धान उनका फूट चुका है और इनका नुकसान नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं हमारा क्या हल है। तो हम अपने खेत के पास आ चुके हैं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, दिखाई तो दे रहा है कि गिरा नहीं है दोस्तों और बचा है हमारा फसल, और हमारा क्या सबका बचा है दोस्तों। तो आप लोग को मैं यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है मेरा फसल है दोस्तों, सब ठीक है। और आगे देखता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे डाढ़ है दोस्तों, इसी डाढ़ से मैं पकड़ कर जा रहा हूँ आगे की ओर, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फसल नुकसान नहीं है किसी का, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है दोस्तों, देख लीजिए सब ठीक है दोस्तों, अच्छा है। और यहाँ पर कुछ एकाक बाल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अब फूट रहा है धान, अब कुछ दिनों में धान फूट जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ये रेड़े में आ चुका है दोस्तों, मुंह में बाल ले चुका है, बस अब इसको फूटना जरूर दे रहे। पानी भरा हुआ है दोस्तों, और डर था कि पानी भरा हुआ है और रेड़े में है धान और बाल मुंह में है, इसलिए वजन के जरिए गिर सकता था, लेकिन दोस्तों गिरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को आशीर्वाद से। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए दोस्तों ठीक है धान, तो ठीक है नुकसान नहीं है दोस्तों, देख लीजिए फसल सब ठीक है। यहाँ पे सब फसल ठीक दिखाई दे रहा है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये सरकारी टबेल है दोस्तों, इसी टबेल से हम लोग पानी भरते हैं, और देख लीजिए टबेल है, इसी टबेल से हम लोग सिंचाई करते हैं, और ये पानी बहुत ज़्यादा देता है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सब कुंडी बना हुआ है हौदा, और ये नाली है दोस्तों, देखिए एक इधर पानी जाता है एक इधर जाता है, और देख लीजिए। तो हम लोग अपना फसल देख चुके हैं, चारों तरफ से फसल नुकसान नहीं है, फसल सब ठीक ठाक है दोस्तों, किसी का भी फसल नहीं नुकसान है। और दोस्तों अब हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद जय किसान।